दोस्तों, अगर आप एक दिन में दो मसल्स पार्ट को ट्रेन करते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं बैक बाइसेप्स वर्कआउट। काफी अच्छा वर्कआउट है, इंटेंस वर्कआउट है, जबरदस्त पंप आएगा। इसमें सुपर सेट भी होंगे और रेगुलर सेट भी। अगर आप इंटरमीडिएट हैं, आपको 6 महीने साल से ज्यादा हो गया है वर्कआउट करते हुए, तो आप इस वर्कआउट को 2 से 3 महीने तक फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कआउट। तो पहले हम करेंगे बैक का वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर 1, डेडलिफ्ट। दोस्तों, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कंपाउंड एक्सरसाइज है। इसमें हैवी वेट का इस्तेमाल करें, पर हैवी वेट का इस्तेमाल करने से पहले बेल्ट का ही इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि हैवी वेट में आपको बैक की इंजरी हो सकती है। तो इसीलिए हैवी वेट में बेल्ट ज़रूर यूज़ करें। इसके 4 सेट लगाएं, पहले में 12, दूसरे में 10, तीसरे में 8 और चौथे सेट में 6 रेप लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 2, ये एक सुपर सेट होगा, जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। इसमें आपने बार को अपने शोल्डर विद से बाहर से पकड़कर लैट पुल डाउन लगाने हैं। इसमें ये याद रहे कि जब आप बार को नीचे लेके आए तो पीछे बैक को स्क्वीज करें, ऊपर अच्छे से स्ट्रेच करें। इससे लैट्स मसल्स ट्रेन होते हैं, लैट्स मसल्स चौड़े बनते हैं, आपकी बैक पीछे से चौड़ी दिखती है। इसी सुपर सेट में दूसरी एक्सरसाइज होगी क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। जिस तरह हमने पहले वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन लगाए थे, उसी तरह हमने क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन लगाने हैं। इसमें आपने बार को क्लोज ग्रिप से पकड़ना है और रिवर्स ग्रिप से पकड़ना है। इसमें भी जब बार को नीचे लेके आए तो पीछे बैक को अच्छी तरह स्क्वीज करें, ऊपर अच्छी तरह स्ट्रेच करें। इससे भी लैट्स मसल्स ट्रेन होते हैं, पीछे बैक में अच्छी कटिंग आती है। इस सुपर सेट के आपने 3 सेट लगाने हैं, पहले में 15, दूसरे में 12 और तीसरे में 10 रेप निकालने हैं। मतलब पहले वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन के 15 रेप, फिर बिना रेस्ट के क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन के 15 रेप। इसी तरह 3 सेट 15, 12, 10 रेपिटेशन के लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 3, ये भी एक सुपर सेट होगा, जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी सीटी ड्रॉइंग मशीन। ये भी बैक के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें भी जब हैंडल को पीछे लेके आएं तो अच्छी तरह पीछे बैक को स्क्वीज करें और आगे लेके जाएं तो अच्छी तरह बैक को स्ट्रेच करें, अपने लैट्स मसल्स को आगे अच्छी तरह स्ट्रेच करें। इससे भी लैट्स मसल्स तेजी से चौड़े बनते हैं, आपकी बैक चौड़ी दिखती है। इसी सुपर सेट में दूसरी एक्सरसाइज होगी 1 आर्म डंबल रो। ये भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है बैक को चौड़ी करने के लिए। इसमें हैवी डंबल का इस्तेमाल करें। इसमें भी जब डंबल को ऊपर लेके आएं तो पीछे बैक को स्क्वीज करें, आगे नीचे लेके जाएं तो अच्छी तरह लैट्स मसल्स को स्ट्रेच करें। इससे भी बैक चौड़ी बनती है, लैट्स मसल्स चौड़े दिखते हैं। इस सुपर सेट के भी 3 सेट लगाएं, पहले में 15, दूसरे में 12 और तीसरे सेट में 10 रेप निकालें। मतलब पहले सीटी ड्रॉइंग के 15 रेप, फिर बिना रेस्ट किए 1 आर्म डंबल रो के 15 रेप। इसी तरह 3 सेट 15, 12, 10 रेपिटेशन के निकालें। एक्सरसाइज नंबर 4, ये भी एक सुपर सेट होगा, जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी बार रो। इसमें आपने बार को रिवर्स ग्रिप में पकड़ना है। इसमें भी जब बार को पीछे लेके आए तो बैक को अच्छी तरह स्क्वीज करें और आगे लेके आए तो अच्छी तरह स्ट्रेच करें। ये भी एक कंपाउंड एक्सरसाइज में ही आती है। इससे भी आपकी पूरी बैक ट्रेन होती है, आपकी बैक अच्छी शेप में आती है। इसी सुपर सेट में दूसरी एक्सरसाइज होगी हाइपर एक्सटेंशन। ये लोअर बैक के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें इस तरह से आपने हाइपर एक्सटेंशन एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इस सुपर सेट के भी 3 सेट लगाएं, पहले में 15, दूसरे में 12 और तीसरे सेट में 10 रेपिटेशन निकालें। मतलब पहले बार रोके 15 रेप, फिर बिना रेस्ट की हाइपर एक्सटेंशन के 15 रेप। इसी तरह 3 सेट 15, 12, 10 रेपिटेशन के लगाएं। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा बैक वर्कआउट फिनिश होता है। अब इसके बाद हम करेंगे बाइसेप्स वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर 1, ये भी एक सुपर सेट होगा, जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी प्रीचर कर्ल। दोस्तों, ये बाइसेप्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप बाइसेप्स की कोई भी एक्सरसाइज करें, पर प्रीचर कर्ल को कभी भी मिस न करें, क्योंकि इसमें क्या है कि आपकी पूरी बॉडी लॉक हो जाती है, आप चीट नहीं कर सकते, आपकी बैक भी लॉक हो जाती है, सिर्फ आपके बाइसेप्स पर ही काम होता है। इसमें इजी बार का इस्तेमाल करें। इसमें भी जब बार को ऊपर लेके आएं तो 1 सेकंड होल्ड करें, बाइसेप्स को अच्छी तरह स्क्वीज करें और फिर नीचे लेके आएं। इसी सुपर सेट में दूसरी एक्सरसाइज होगी हैमर कर्ल। ये आउटर बाइसेप्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे बाइसेप्स चौड़े बनते हैं। इस सुपर सेट के 3 सेट लगाएं, पहले में 15, दूसरे में 12 और तीसरे सेट में 10 रेपिटेशन निकालें। मतलब पहले प्रीचर कर्ल के 15 रेप, फिर बिना रेस्ट किए हैमर कर्ल के 15 रेप। ये आपका 1 सेट हुआ। इसी तरह 3 सेट 15, 12, 10 रेपिटेशन के निकालें। एक्सरसाइज नंबर 2, ये भी एक सुपर सेट होगा, जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी बाइसेप्स केबल कर्ल। ये आपने इस तरह केबल पर परफॉर्म करनी है। इसमें भी जब बार को ऊपर लेके आएं तो बाइसेप्स को अच्छी तरह स्क्वीज करें, 2 सेकंड होल्ड करें और फिर नीचे लेके जाएं। इसी सुपर सेट में दूसरी एक्सरसाइज होगी रोप हैमर कर्ल। ये भी आपने इसी मशीन पे लगानी है। इसमें आपने रोप का इस्तेमाल करना है। ये भी आउटर बाइसेप्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बाइसेप्स तेजी से चौड़े बनते हैं। इस सुपर सेट के भी 3 सेट लगाएं, पहले में 15, दूसरे में 12 और तीसरे सेट में 10 रेप लगाएं। मतलब पहले बाइसेप्स केबल कर्ल के 15 रेप, फिर बिना रेस्ट किए रोप हैमर कर्ल के 15 रेप। इसी तरह 3 सेट 15, 12, 10 रेपिटेशन के लगाएं। तो फ्रेंड्स, यहीं पे बाइसेप्स वर्कआउट भी फिनिश होता है।
तो फ्रेंड्स ये काफी अच्छा वर्कआउट है, आप इसे 2 से 3 महीने तक फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे और जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो बैक बाइसेप्स वर्कआउट पर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। इसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।